हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 इंडियाज डिफेंस सिस्टम। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि यार इसके पहले भी हमने जितने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर से वो आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। इसके लिए हम बार बार आपसे कहते हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके हर स्टैंडर्ड के लिए हर सब्जेक्ट्स के वीडियो पहले से ही हमने अपलोड करके बना के रखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पूरा का पूरा साइंस का सब्जेक्ट, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 सब चीज लेक्चर वाइज हमने वीडियोज बना करके अपलोड करके रखा हुआ है। आपको बस जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना है, उसमें आपको वीडियोस दिख जाएंगे, आपको वीडियोस को क्लिक करके बस ओपन करके अच्छे से पढ़ना है और जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो। ये बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, रीजन सिंपल है दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको ऐसा लगता है कि उन लोग ने एक वीडियो देखा, उनको ऐसा लगता है कि सर ने बस इतना बनाया और वो लोग चैनल को चेक नहीं करते। तो चैनल को चेक करो दोस्तों, बहुत सारे लगभग 1200-1300 वीडियोस हमारे चैनल पे हमने बना के रखे हैं पिछले एक साल के अंदर। तो प्लीज जाइए चेक करो, आपके ही सिलेबस का हर वीडियो प्रेजेंट है, ठीक है ना, जरूर चेकआउट कर देना। तो चलिए ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इंडियाज डिफेंस सिस्टम। तो सबसे पहली बात दोस्तों, चैप्टर में पढ़ना क्या, देखो डिफेंस ये वर्ड कभी भी हमें जब सुनाई देता है, डिफेंस का मतलब होता है दोस्तों रक्षा करना, अपने आप को बचाव करना, डिफेंस करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं डिफेंस में खड़ा हूं, जैसे एक फुटबॉल अगर आप खेलते होंगे या फिर देखते होंगे तो आपको पता है एक डिफेंडर होता है। डिफेंडर मतलब गोल को बचाने का काम, गोलकीपर तो होता है लेकिन गोलकीपर तक गोल को पहुंचने से रोकना एंड गोल को बचाना, ये काम डिफेंडर का होता है। सेम उसी प्रकार इंडिया के लिए भी या फिर जितने भी कंट्रीज होती है उसके लिए भी डिफेंस सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डिफेंस सिस्टम का इन शॉर्ट मीनिंग होता है एक मिलिट्री बेस होना, एक आर्मी होना या फिर एक यूनिट होना जो कि रक्षा करेगा हमारी कंट्री को, हमारे देश के बॉर्डर्स को, हमारे देश की आम जनता को, ताकि कोई बाहर वाला व्यक्ति, कोई बाहर वाला देश या फिर कोई भी बाहर वाला ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट लोग, वो हम पे आके अटैक ना कर पाए और अटैक होने के पहले ही हम अलर्ट हो जाए। तो ये सभी चीज जो देख रेख करने का काम करता है वो कौन करता है, जनरली वो करता है डिफेंस सिस्टम। तो इसीलिए हर कंट्री के पास डिफेंस सिस्टम होता है, अपना मिलिट्री बेस होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स होते हैं जैसे हमारे पास भी है। तो लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बेसिकली इंडिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया के अंदर क्या क्या डिफेंस सिस्टम है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी की बात। नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, देखो कोई भी चीज को सिक्योर करना ये हमारा फर्ज है पहले से। कोई चीज जब अपना होता है उसको हम लोग बचा के रखते हैं, उसको सिक्योर करके रखते हैं। तो नेशन की अगर हम बात करें, पूरी कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक के हाथ में। जैसे कि गवर्नमेंट, आपको पता है कि हर साल हर 5 साल पे एक जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं जिसमें एक गवर्नमेंट, एक पार्टी जो होती है वो जीतती है, जिसके अंडर में गवर्नमेंट आती है और वो गवर्नमेंट बनाने के बाद तीनों जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब तीनों यानी कि कौन कौन से हो गए, आपको पता है कि अगर नॉर्मली किसी कंट्री के ऊपर अटैक होता है या तो वो हवा से हो सकता है, इसीलिए उसको रोकने के लिए एयरफोर्स बनाया गया है, ठीक है, आपको पता है ना एयरफोर्स। दूसरा चीज, समुद्र के रास्ते से, नदियों के रास्ते से अटैक हो सकता है, इसके लिए हमने क्या बनाया है, नेवी बनाया हुआ है। और तीसरा, जमीन के रास्ते से अटैक हो सकता है, इसके लिए आर्मी मिलिट्री बनाई हुई है, करेक्ट है। तो इस चीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यानी नेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री का, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पता है कि हम जितने भी कंट्री से वो क्या है, एक सोवरेन नेशन है, सोवरेन कंट्री है। तो हो सकता है कि कोई दूसरा सोवरेन कंट्री या फिर कोई दूसरा सोवरेन नेशन हम पे अटैक करे आके। अब अटैक बहुत सारे रीजन हो सकते हैं करने की, जैसे कि नॉर्मली जो रीजन होता है वो होता है पॉलिटिकल रीजन हो सकता है या फिर जियोग्राफिकल रीजन हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हिस्टोरिकल भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ हो। तो पॉलिटिकल रीजन ये हो सकता है कि अगर किसी पॉलिटिशियन का या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी और के ऊपर, बोलते हैं ना खुन्नस टाइप, हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ तो नाराजगी है या फिर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो हो सकता है अटैक करे वो लोग आके। जियोग्राफिकल सबसे ज्यादा होता है यानी कि ये हमारा एरिया, जैसे कि नॉर्मली कश्मीर मुद्दे के ऊपर हमेशा पाकिस्तान बोलता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो तो पहले से इंडिया का ही पार्ट है, पाकिस्तान खुद हमारे इंडिया का पार्ट था, वो क्या मान रहा है कश्मीर। तो कहीं ना कहीं वो जियोग्राफिकल रीजन जो होता है हमारा, कि चीन बोलता है, चाइना बोलता है कि ऊपर का जो लद्दाख का पार्ट है वो हमारा है, पाकिस्तान बोलता है इधर कश्मीर का हमारा पार्ट है, यार सब ले ही लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें जो पहले से ही थी, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारा है। तो ये ज्योग्राफिकल मुद्दे के ऊपर हमेशा लड़ाई हुई है, और ऐसा नहीं कि लड़ाई हुई नहीं है, पहले बहुत सारी लड़ाई हुई है, पाकिस्तान के साथ 2-2 बार लड़ाई हुआ है, चाइना के साथ लड़ाई हुआ है। तो इस प्रकार बहुत सारे युद्ध
छिड़े हुए हैं, लेकिन इस चीज को रोकने का जो काम करता है या फिर मेंटेन करने का काम करता है वो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट करता है। सोचो 62 में लड़ाई हुई थी, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, अगर उस टाइम पे हमारी मिलिट्री नहीं होती तो हो सकता था कि यार ये लोग जो पाकिस्तान वाले हैं या फिर जो दूसरी कंट्री है चाइना है ये सब जो है वो हम पे अटैक कर चुके होते और आम जनता परेशान होती इससे। करेक्ट है, अगर आप नॉर्मली एक इमेजिनेशन ही सिचुएशन को सोचो कि समझ लो एक वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के साथ, तो लड़ाई एक्चुअल में कहाँ होती है, बॉर्डर्स पे होती है, आसपास के जहाँ पे बॉर्डर शेयर होते हैं वहां पे होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो देखने मिलता है वो कहाँ देखने मिलता है, आम जनता के बीच, क्योंकि वो डर जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि कभी कुछ मिसाइल्स या फिर कुछ रॉकेट्स वगैरह लॉन्च हुए तो वो आम जनता के ऊपर गिरेंगे, कुछ पब्लिक इलाके में गिरेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तीसरा ये सिक्योरिटी के वजह से सब चीज़ें बंद हो जाती है, इमरजेंसी लग जाता है तो आम जनता निकल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमा सकता, कुछ खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं हो सकती, तो ये बहुत सारे रीजन जो है वो देखने मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ना हो, सिक्योरिटी मेंटेन करना इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले से ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर बाई चांस आपको पता चला कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है बॉर्डर के किनारे, मतलब हमारे इंडिया के ऊपर खतरा हो सकता है, तो हम भी अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भेज देते हैं। बीच में चाइना के साथ हुआ था आपको पता ही है, तो चाइना कहीं ना कहीं लद्दाख बॉर्डर पर बहुत सारे सैनिक को तैनात करके रखा था, इसका मतलब ये है कि वो अटैक करने के मूड में है। तो अगर वो मूड में है तो हमें भी अपना अटैक करने के लिए हमारे डिफेंस को, हमारी मिलिट्रीज को वहां पे अलर्ट करना पड़ेगा, तैनात करना पड़ेगा। क्या पता अगर उन्होंने अलर्ट अटैक किया तो हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो लोग हमारे अंदर घुस जाएंगे। तो ये सभी चीजों को ध्यान से देखना और उसको कंट्रोल करना, ये सभी चीज काम होता है डिफेंस का। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक ये हो जाता है कि बहुत सारे रिफ्यूजी भी हमारे कंट्रीज में आ जाते हैं। रिफ्यूजी का मतलब आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो ध्यान से सुनना। रिफ्यूजी मतलब किसी और कंट्रीज के कुछ जनता होती है, नॉर्मल पब्लिक ही होती है, वो हमारे कंट्रीज में आ जाते हैं किसी भी तरीके से और रहते हैं, और हो सकता है उसमें से रिफ्यूजी में से बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो टेररिस्ट भी होते हैं, जो टेररिस्ट बन जाते हैं बाद में। तो ये सभी चीज़ ना हो तो इसको भी कंट्रोल करना, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और यही चीज़ अगर कंट्रोल करता कर लेंगे हम लोग तो हमारा जो पीस होता है ना, जिसको हम लोग शांति बोलते हैं, वो पीस कायम रहेगा। अगर पीस मेंटेन करना है तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। एक टाइम पे लोग अगर बोलते हैं ना कि खाने को ना मिले चलेगा, दो टाइम का तीन टाइम का खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है दो से तीन टाइम खाना नहीं खाओगे तो आप जिंदा रह पाओगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी अगर चली गई, नेशनल सिक्योरिटी आप मेंटेन नहीं कर पाओ तो दूसरे कंट्री आके वो ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या है, वो सीधा उड़ाते जाएंगे जिससे टेररिस्ट लोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है, इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाता है। और हो सकता है कि आसपास के कुछ एग्रेसिव नेशंस हो, कुछ एग्रेसिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपकी नहीं सुनेगी, वो तो आपको सीधा ठोकेगी। ठीक है, तो ये सभी चीज भी ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस इसके अंदर आ जाता है। क्लियर है? और कोई भी सिचुएशन में सबसे पहले क्या आता है, नेशन आता है ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए नेशन खुद होता है, नेशन की सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, बाद में जो भी चीजें आती है। ठीक है, तो नेशन की सिक्योरिटी मेंटेन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना और वेल प्रिपेयर्ड रहना, आर्मी वाले मिलिट्री वाले जो है वो सबसे पहले खुद वेल मेंटेन रहेंगे, वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, अटैक होने के लिए अलर्ट रहेंगे, अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये सभी चीज अगर हो पाता है तो उसी चीज को कहते हैं हम लोग दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को सेफ करने के लिए, वेज टू सेफ गार्ड, ठीक है ना, वेज टू सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको सेफ रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी या फिर क्या क्या तरीका हो सकता है, ये थोड़ा सा हम नजर डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेज क्या क्या हो सकता है, तो नेशनल सिक्योरिटी जो है ये सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि खतरा किस वजह से होता है, ज्योग्राफिकल मुद्दे की वजह से, जैसे कि मैंने बताया कश्मीर का मुद्दा हो गया, चाइना का, लद्दाख का मुद्दा हो गया, तो नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है आसपास के देशों के वजह से। हो सकता है हम बाजू में पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, इधर बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, नीचे श्रीलंका है, तो ये आसपास नेशंस के ही सबसे पहले यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत होती है। और कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के आसपास सेना की तैनाती करना, यानी कि मिलिट्री पावर की जो प्रेजेंस होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कोई भी बॉर्डर्स को ऐसे ही वैकेंट नहीं छोड़ सकते। आपको पता होगा कि हमारा सबसे ऊंचा, सबसे बर्फीला पहाड़ सियाचिन ग्लेशियर, वहां पे भी हमारे सैनिक खड़े होते ताकि चाइना ऊपर से आके अटैक ना कर दे हम पे। तो सोचो हमारे मिलिट्री को तो सबसे पहले बिग सैल्यूट है मेरी तरफ से और आप लोग की तरफ से भी होना चाहिए कि कितनी ठंडी में, -degree Celsius, माइनस खून जम जाता है इंसान का, उस टेम्परेचर पे भी वो लोग खड़े होते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो सोचो ये कितनी बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए क्या मायने रखता है। लोग कुर्बानी दे देते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं देश को बचाने के लिए, देश के बॉर्डर को बचाने के लिए। तो सोचो ये कितना अच्छी चीज है। ठीक है,
ये हो गया हमारा सबसे पहला चीज, यानी कि ज्योग्राफिकल मुद्दा हो गया। दूसरा ये है कि कभी भी अगर कोई भी खतरा हो, जैसे कोई भी थ्रेट आ गया, तो नेशन को हमेशा उसकी मिलिट्री को तैनात करना होता है और मिलिट्री पावर को हमेशा एनहांस करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा कि हर साल हमारे देश में मिलिट्री भर्ती होती है, आर्मी भर्ती होती है। क्यों भर्ती होती है? कि हमारे इंडिया का जो मिलिट्री पावर है बड़ा होते जाए। जैसे कि आपको पता है सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री जो हम माना जाता है वो यूएस, ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनके माने जाते हैं। हमारे इंडिया के लगभग थर्ड फोर्थ नंबर ऑफ मिलिट्री पावर की अगर बात किया जाए तो चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं हम लोग। नॉट आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसी सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। ये कितने नंबर पे आते हैं वो मुझे पता नहीं है, वो आप चेक कर लेना जाके, आपको गूगल पे या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो प्लीज चेक इट आउट। लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर मैं बात करूँ, जहां तक मुझे पता है लगभग फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम भी कुछ कंट्री से वीक है, तो हमें अपना मिलिट्री पावर को इनहांस करने की, बढ़ाने की जरूरत है। तो नेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कि यार हम लोग को एटलीस्ट पता चल जाए कि पहले से ही कि कौन सा देश हम पे अटैक कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई एयरफोर्स प्लेन जो होता है, जो लड़ाकू विमान जिसको बोलते हैं एयरफोर्स, तो एयरफोर्स का जो लड़ाकू विमान होता है वो हमारे कंट्री में अगर दाखिल हो गया तो पता नहीं चलता था, या फिर बहुत लेट पता चलता था कि कोई दूसरे देश का एयरफोर्स प्लेन आ रहा है हम पे अटैक करने। लेकिन आजकल रडार का जमाना है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। आपको पता है रडार रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंगिंग, साइंस में आपको पढ़ाया था मैंने, रडार रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंगिंग साइंस में 12th चैप्टर साउंड में देख लेना, मैंने पूरा लेक्चर्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो रडार जो है इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ आसपास कुछ तो घूम रहा है, दूसरे देश का प्लेन है, तो ऐसे ही पता चल जाता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रेट्स को, यानी कि हम पे अटैक होने वाला है ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं। वेपन्स हम लोग बना सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं, और डिफेंस फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रांग और मॉडर्नाइज कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। साथ ही में कुछ अगर कंफ्लिक्ट है दूसरे देश के साथ तो उसको रिजोल्व करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि अगर लड़ाई झगड़े की नौमत आए तो उसको हम लोग कैसे सेफ गार्ड कर सके, क्योंकि हर बार लड़ाई करके ही सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, कभी हमें बातें भी करनी पड़ेगी, तो कुछ मुद्दे पे बहस करना, और हो सकता है अगर लड़ाई का वक्त आए तो मुंहतोड़ जवाब देना है, तो ये भी चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और बाकी देश को भी सपोर्ट करते रहना, कुछ किसी देश की सपोर्ट लेना ताकि फ्रेंडशिप मेंटेन रहे, और ये सभी चीज करना भी बहुत ज्यादा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी क्या है, कैसे हो सकता है, या फिर कैसे कैसे हम लोग सेफगार्ड कर सकते हैं। ये हमने आज छोटा सा लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग ये लेक्चर को समाप्त करेंगे, स्टॉप करेंगे, और फटाफट से मैं अगले दिन आपको लेक्चर नंबर 2 लेकर आ जाऊंगा, जिसमें और भी ऐसी बहुत ही बेहतरीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, हमने चैप्टर की, जो नए चैप्टर की शुरुआत की, आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना यार, जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, रिलेटिव्स को शेयर करो, बताओ कि ये सब चीज पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।